हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? आज के क्लास में हम 3/4 फेस देखने वाले हैं ब्राइड का। हमने साइड फेसेस ब्राइडल में हिंदी में कैसे निकालने हैं ब्राइड और ग्रूम के, वो सीख लिया है। अभी हम 3/4 फेस, जो कि फ्रंट फेस भी हम उसको कह सकते हैं, फ्रंट फेस या फिर 3/4 फेस, आज हम सीखने वाले हैं। तो जो 3/4 फेस है वो थोड़ा सा आपको हार्ड होगा साइड फेस से, क्योंकि साइड फेस निकालने में आसान है, 3/4 फेस निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बहुत बार तो आपको वो भी आ जाएगा। तो 3/4 फेस निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से फेस लाइन ड्रॉ करनी है, और ये यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमको आइज़ ड्रॉ करनी होती है, इसलिए आपको वो कर्व निकालना ही है। यहाँ पे अभी ये दो आईब्रोज निकाल लिए और एक आईब्रो को जॉइंट करके नोज़ भी निकाल लिया। अभी ये जो कर्व वहाँ पे निकाला था, यहाँ पे आपको आइज़ निकालना है। अभी नोज़ के बराबर नीचे सेंटर में लिप्स निकालने हैं, बारीक से लिप्स निकाल लिए मैंने। अभी यहाँ पे नोज़ रिंग निकाल रही हूँ मैं, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे दुल्हन की बिंदी निकालनी है। अभी ये जो फोरहेड का पार्ट है वो उसको छोड़ के उसके ऊपर बालों की लाइन निकालनी है, फोरहेड का पार्ट छोड़ के उसके ऊपर हेयर स्टाइल बनानी है। यहाँ पे आएगा कान, कानों में आप इयर रिंग्स दिखा सकते हो। अभी ये बालों की हेयर स्टाइल आप जैसे चाहे वैसे हेयर स्टाइल बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल ही बनाई है, यहाँ पे पूरे हेयर ब्लैक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद नीचे का पार्ट देखेंगे। ये सुंदर से नाजुक से ब्राइडल फेस तैयार है। अभी यहाँ पे हमको नेक निकालना है, कानों के पीछे से नेक लाइन, जैसे कि हमने पहले भी सीखा हुआ है। अभी उसके गले में हार के डिज़ाइन, यहाँ से हम उसका पल्लू निकालेंगे। ये शोल्डर, थोड़ी ज्वेलरी और निकाल लेते हैं इसके गले में। बहुत हेवी ब्राइड नहीं निकाल रही हूँ, सिंपल ही निकाल रही हूँ, जिससे कि आप भी निकाल सको। ये सिंपल फ्रंट फेस या फिर 3/4 फेस वाली ब्राइड है। हमने ये ब्राइड नहीं सीखी थी, हमने साइड फेस वाला ही सीखा था सिर्फ। ये ब्राइड का हैंड हो गया। हम इतनी ही ब्राइड निकालने वाले, फुल ब्राइड नहीं निकालने वाले। ये दूसरी तरफ से इसका हाथ, देखो हमारे ब्राइड की जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये साइज की ब्राइड आपके हाथ के पाल्म में एकदम परफेक्ट फिट होगी। मोस्टली इतनी ही साइज की ब्राइड निकालते हैं हाथों पर। अभी हमको इस ब्राइड का ड्रेस डिजाइन करना है। देखो कितने स्मूथ तरीके से मैं बना रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी बीच में डिजाइन फिलअप करनी है। अभी यहाँ पे उसके ब्लाउज का डिजाइन आपको बनाना है। ये पूरा डिजाइन फिलअप करने के बाद आपको ड्रेस को आउटलाइन भी करनी है। आउटलाइन नहीं करोगे तो पूरा डिजाइन वो मिक्स दिखेगा, कुछ सेपरेट नहीं दिखेगा। ये हो गया ब्लाउज का डिजाइन।
देखो कितना खूबसूरत और सिंपल लग रहा है, कुछ भी हैवी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी यहाँ पे फेस लाइन के बाहर थोड़ी शेडिंग कर लेनी है ताकि जो भी हम पल्लू में डिज़ाइन बनाएंगे वो फेस में मिक्स ना हो, इसलिए पल्लू की डिज़ाइन निकालते टाइम फेस के साइड में थोड़ी सी शेडिंग कर लेनी है। तो आज की क्लास में हमने फ्रंट फेस वाली ब्राइड देखी है, क्योंकि मुझे बहुत डीएम्स आ रहे थे कि साइड फेस सिखाया है फ्रंट फेस नहीं सिखाया, तो उसके लिए अभी ये फ्रंट फेस वाला वीडियो स्पेशली बनाया है। अभी फ्रंट फेस का ग्रूम का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, पहले आप ब्राइड की प्रैक्टिस करो, ब्राइड अच्छे से आ जाने के बाद हम ग्रूम सीखेंगे। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।